lot of contribution of horses. History, there is a lot of debate and research. Some say 5,000 years ago, horses were domesticated. 5,000 years back. India, we have many temples. This is Gurudeshwar Temple in South. Monarch Temple, Sun Temple. Horses gave us wheels. Right? There is long association. In fact, according to Hindu mythology, the first horse emerged to Samudra Manthan. And that was the name of Utseshrava. जो आवली बली राजा था उसके पास ये घोड़ा था. He did lot of wonders with the help of powers of those horses. We all know about Chetak, है ना, वे legendary horse. Chetak की छलांग जो है, है ना, जो 21 फुट या 26 है मार करके, he was wounded, है ना, जख्मी हालत में उसने क्रॉस किया था एंड अपने मास्टर को सेव किया था. चेतक वॉज सो फ्यूरियस, दूसरे किसी को पास में नहीं आने, है ना, एक्सेप्ट राणा है ना, इसके रहने का कोई और पास नहीं जा सकता. छत्रपति शिवाजी महाराज चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट, और घोड़ों के बगैर दैट वॉज नॉट पॉसिबल. महाराज रोज जेव पण हे असेल तर ते रोज पागेवर जायचे. सकाळी उठल्याबरोबर पहिले महाराजांचे सात घोडे होते, मोती, विश्वास, पुरण, इंद्रायणी, कृष्णा वॉज हिज मोस्ट फेवरेट, कल्याणी. आणि रोज जाऊन ते हा श्लोक म्हणायचे, यशवास्वा तस्य राज्यम, यशास्वा तस्य मेदिनी, यशास्वा तस्य सौख्यम, यशास्वा तस्य साम्राज्य. है ना, जिसके पास अश्व है उसका राज्य होगा, मेदिनी यानी लक्ष्मी उसके पास होगी, उसके पास सुख होगा और उसके पास साम्राज्य, है ना, बिकॉज घोड़ों के बगैर मूवमेंट वॉज नॉट पॉसिबल, दैट वॉज द ओनली मीन्स, राइट. और उनका ड्रीम जो ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसलेट हुआ, है ना, इवन आफ्टर हिज डेथ द मराठा एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश एंड द बैकबोन ऑफ इट वॉज द गुजरात. छत्रपति स्पेशल फोर्स, इट वॉज लाइक ब्लैक नाइट कमांड, है ना. गुजरात वॉज वेरी पावरफुल कैलवरी, जो जिसका 13 था पूरे हिंदुस्तान में. तब गुजरात आए बोले तो लोग घर के हथियार छोड़ के भाग जाते, है ना. गुजरात सोल्जर ऐसे उनको प्रिपेयर किया जाता था, देवर ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग कैसे होता है ना, उनके पास ऐसे हॉर्समैनशिप के स्किल्स थे, आज पॉसिबल नहीं. आला खाली की उन घोड़ 360 डिग्री में घोड़ा के पास, है ना, दैट वाज अ स्पेशल स्किल ऑफ गुजरात सोल्जर. रोज त्यांचे शेड्यूल होतं आणि त्यांचं शिरस्त्राण, चिलखत, जमदाड, बिछवा, कट्या, भाला, घा, इतना सारा, ये लेके द स्पीड वॉज फैबुलस. और उस वक्त मराठा आर्मी ने, मराठा कैलवेरी ने स्पेशल ब्रीड डेवलप किया था, भीमतड़ी ब्रीड वॉज डेवलप स्पेशली, जो वॉज वेरी ड्यूरेबल, यानी उसको सामान ढोने के लिए भी, आदमी ढोने के लिए भी, एंड इट वॉज एबल टू गैलप फॉर 80 किलोमीटर, जबकि एवरेजली 50 किलोमीटर के ऊपर घोड़ा एक दिन में चलता नहीं है. बट भीमतड़ी वॉज एबल एंड दैट्स वॉज द रीजन कि मराठा आर्मी जो है बाजीराव पेशवा, है ना, ही वॉज नोन फॉर हिज स्पीड. दिस इज अनदर वेरी फेमस हॉर्स इन हिस्ट्री, लीली. लीली वॉज महाराजा रंजीत सिंह, इसको बहुत मशक्कत करके कंधार के किसी नवाब के पास से, और इसके लिए इन्होंने अपने जनरल्स को ही कहीं सेनापति होगी, और ये घोड़ी आखिरी में लाई. और जब उसको लाहौर में लाया गया तो उसको पूरे जुबल से सजाया गया था, और कोई नूर भी लगाया गया था. सो बिलवेड महाराजा रंजीत सिंह, ऐसी एक घोड़ी थी महुआ, श्रीमद भीमतड़ी, महाराजा यशवंतराव शायद, ये नाम बहुत लोगों को पता नहीं है ना. छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उसके बाद महारानी ताराबाई, संताजी जाधव, नानाजी गोरपड़े, देन बाजीराव पेशवे पहले, देन लल्लाराव होलकर, महादेवी सिंधे और यशवंतराव होलकर, ये दीज वेर वेरी पावरफुल एंड कैपेबल लीडर्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो बहुत इन्फ्लुएंस इन्होंने किया अपने एम्पायर के एक्सपांशन. एंड ही वॉज सो फिर ही ऐसे बोला जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया. उनके कई वॉर्स इतने फेमस है, उनको स्टडी किया जाता है वॉर्स, है ना. अगर समय मिला तो जरूर आप इनके बारे में पढ़ी करें, सुन रहा हूँ. बोल दिस हिस्टोरिकल टाइम इज अ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, उस वक्त नागपुर की है पहुंचे, तो वो अभी तक बहुत इतिहास मध्ये ते खूप स्ट्राइकिंग है, लेकिन नागपुर के घोड़े पहुंचते. तो वी वांट टू रीलाइट द हिस्ट्री, राइट, बिकॉज दिस स्पोर्ट इज not taken up by it is very costly, right. Even if we cannot afford to keep our own horse, we have a great facility, we have an academy where we can have the benefit, right. So I given the name Ashwa Vedashara,